आज हम लोग सेब पढ़ेंगे। सेब का यूज होता है किसी प्रकार का सेब बनाने के लिए पेज पर। जैसा सेब आपको लेना है बस क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, कोई भी सेब ले सकते हैं, बस क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ये अभी आपको हमने दो सेब लिया। जैसे हम सेब लेंगे फॉर्मेट टैब मेरा ओपन हो जाएगा, जैसे हमारा पिक्चर में ओपन होता था, क्लिप आर्ट में ओपन होता था, उसी प्रकार से सेप में भी आपका फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये सब होता है सेप का स्टाइल, बना बनाया स्टाइल दिया गया है। यहाँ से अगर आपको अच्छा लगे तो उस सेप में हम इफेक्ट या स्टाइल दे सकते हैं। ये सभी जो है स्टाइल ही हैं। यहाँ पे सेप फिल में होता है कलर भरने के लिए, सेप के अंदर कोई भी कलर दे सकते हैं। नो फिल में क्या होगा, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं रहेगा, क्योंकि सेप जब बनता है आपका ऑलरेडी अपने अंदर वाइट कलर फिल करके आता है। नो फिल कीजिएगा तो भी वाइट कलर ही हट जाएगा। जैसे देखिए अभी दिखाते हैं हम, थोड़ा सा पेज को कलर कर दे रहे हैं। ये पेज आपका कलर है, अभी मालूम चल रहा है कि सेप जो है कलर लेके आया है वो भी कैसा वाइट। सेप फिल को करते हैं नो फिल, देखिए अब आपका जो वाइट कलर था वो भी हट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मोर फिल कलर में, और भी ज़्यादा कलर मिलेगा भरने के लिए। कस्टम में अपने अनुसार कलर क्या कर सकते हैं इसमें बनाकर फिल कर सकते हैं। पिक्चर का काम होता है इसके अंदर पिक्चर डालने के लिए, सेप में पिक्चर डालना है। यहाँ से जाएंगे पिक्चर पे, जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगे बस क्लिक कीजिए और इंसर्ट, ये आपका पिक्चर जो होगा सेप के अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, सेप के अंदर पिक्चर फिल हो गया, सेप फिल, पिक्चर पे जाएंगे, जो भी पिक्चर लेना है बस क्लिक और इंसर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का काम होता है शेप में कलर का स्टाइल चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। ये देखिए मोर ग्रेडियंट में जाइएगा तो यहाँ कितने कलर से ग्रेडियंट करना है इसको वो आपको दिया गया है, वन कलर से। तो अभी वन कलर से आपका ग्रेडियंट बनाएगा। जैसे रेड किए हम, देखिए वन कलर से यहाँ पे ग्रेडियंट का स्टाइल दे रहा है। जैसे ये स्टाइल लिए और ओके, वही स्टाइल में इसमें कलर फिल हो जाएगा। सेप फिल, ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट, टू कलर है यहाँ पे। कलर वन है, कलर टू को हम चेंज कर देते हैं। जैसे ग्रीन कर दिए कलर टू को, और कलर वन को भी चेंज कर दें, कलर वन को चेंज कर दिए कलर टू भी चेंज। ठीक है, तो ये दो कलर को मिला करके यहाँ पे आपको स्टाइल दे रहा है। इसमें से यहाँ से स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, ये स्टाइल है, ये सब स्टाइल है, शेडिंग का स्टाइल इसे बोला जाता है, ये शेडिंग स्टाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें ये स्टाइल चाहिए, यहाँ क्लिक करेंगे ओके, सेव फिल, ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट। अब आता है अगला प्रेजेट। प्रेजेट में बना बनाया कलर होता है, ये सब जो है कलर है, अर्ली सनसेट, नाइट फॉल, डे ब्रेक, होरिजोन, ये सब क्या है कलर है। अब इसमें स्टाइल आपको अपने अनुसार देना है, जो स्टाइल पसंद है वो स्टाइल क्लिक करके ओके कर देना है, वही स्टाइल में कलर क्या हो जाएगा भर जाएगा। फिर चलते हैं ग्रेडियंट में, इसमें आपका बहुत सारा कलर मिलेगा। देखिए एक रेनबो कलर आता है, रेनबो टू वन, इसमें जैसे फ्रॉम सेंटर करके भी स्टाइल इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका रेनबो कलर हो गया। आगे बढ़ते हैं ग्रेडियंट में, मोर ग्रेडियंट, ये सब आपका अभी क्लियर है। ट्रांसपेरेंसी है,
इसको हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी को घटाने से कलर पर आपका अंतर आएगा, टू ये नीचे की ओर से बढ़ाएगा, देखिए इधर से इसको जीरो करते हैं, ओके ये अपना डार्क हो जाएगा पूरा। अब इसमें आते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट के बाद, ये सभी टेक्सचर होते हैं, जैसा टेक्सचर देना है इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पैटर्न, इसमें से जो पैटर्न आपको पसंद हो, जैसे मान लीजिए ये पैटर्न हमको डालना है, क्लिक कर देंगे, पैटर्न का फोरग्राउंड कलर जैसे देना है वैसा दे दीजिए, ये फोरग्राउंड हमको रेड देना है, बैकग्राउंड ग्रीन देना है, यहाँ से ग्रीन दे दीजिए, यहाँ पे सैंपल आपको दिखा रहा है, ओके ये आपका शेप के अंदर पैटर्न आ गया, शेप फिल पैटर्न जो आपको अच्छा लगे इसमें से स्टाइल चूज कीजिए, ये फिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका शेप फिल पूरा क्लियर हो गया। अगला है आपका शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन का मतलब होता है बाहरी लाइन, ये जो बाहरी लाइन होता है वो आउटलाइन होता है। जैसे अभी आउटलाइन पे चलते हैं, आउटलाइन का कलर हम चेंज कर रहे हैं, मालूम नहीं चल रहा होगा, थोड़ा सा इसका वेट बढ़ाते हैं, ये देखिए आउटलाइन, अब देखिए कलर चेंज हो रहा है आउटलाइन का, नो आउटलाइन कीजिएगा आउटलाइन नहीं रहेगा, मोर आउटलाइन कलर में और कलर मिलेगा। वेट अभी बताएं आपको, आउटलाइन को पतला और मोटा करने के लिए मोर लाइन में जाइएगा, इस लाइन का कलर हो गया लाइन स्टाइल, यहाँ से लाइन का स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, ओके कीजिएगा, ये देखिए लाइन का स्टाइल चेंज, शेप आउटलाइन वेट मोर लाइन, यहाँ से डैश चेंज कर सकते हैं इसको, ये देखिए डैश में बन गया है, ये डैश में आपका बन गया, वेट मोर लाइन इसको नॉर्मल करते हैं डैश को, यहाँ से देखिए वेट इसका और बढ़ा सकते हैं, अभी 6 पॉइंट है बढ़ाइए, अब देखिए 19.5 पॉइंट, यहाँ पर वेट इसका बढ़ गया, आउटलाइन वेट मोर लाइन वेट इसका कम करेंगे, कम हो गया वेट मोर। अभी देखिए एरो जो आपका वर्क नहीं कर रहा है, एरोज वर्क कैसे करेगा, यहाँ से भी हम आ सकते हैं, जो डैसेज चेंज किए यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, और एरो देखिए यहाँ पे भी वर्क नहीं कर रहा है। एरो के लिए आपको इंसर्ट से दूसरा शेप लेना होगा, जैसे ये हम स्ट्रेट लाइन लिए, ठीक है, इसका आउटलाइन से वेट बढ़ा दिए थोड़ा, अब यहाँ पे देखिए एरोज वर्क करने लगा, कैसा एरो देना है, जो आपको पसंद हो वो एरो दे सकते हैं, कलर तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पैटर्न हो गया, पैटर्न लगाने के लिए पैटर्न का कलर हम दे सकते हैं अपने अनुसार, स्टाइल हो गया पैटर्न का, कोई भी स्टाइल ले लीजिए, ओके ये पैटर्न का स्टाइल आपका चेंज हो गया, चेंज शेप, यहाँ पर आपका शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, वही स्टाइल वही कलर फील रहेगा, और डायरेक्ट आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा शेप, ये देखिए, ठीक है। शेप डिलीट करते हैं और आते हैं शेप में, शेप में आपका एक स्टाइल होता है ये येलो डॉट, क्या करता है शेप की स्टाइल को चेंज कर देता है कोई भी शेप को, ठीक है, इतना क्लियर कीजिए और कल बताते हैं कल की वीडियो में, थैंक यू।